नमस्कार आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ आठ चतुर गीदड़ के प्रश्न उत्तर करेंगे तो आइए तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं पाठ आठ चतुर गीदड़ के प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न बातचीत के लिए आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है आपको बताना है कि जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है कैसा महसूस होता है आप इस प्रश्न के उत्तर में इस तरह से लिख सकते हैं भूख लगने पर शरीर में कमजोरी महसूस होती है और मन अशांत हो जाता है यानी कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता और केवल खाने की चीज़ें ही दिमाग में घूमने लगती हैं प्रश्न दो अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं तो आपको बताना है कि आप अपने मित्र की सहायता किस किस तरीके से किस प्रकार से करते हैं आप इस तरह से अपना उत्तर लिख सकते हैं मित्र की सहायता हम कई तरीकों से कर सकते हैं जैसे कि उसे सलाह देना यानी कि उसे अच्छी एडवाइस देना सलाह देना उसकी कठिनाई के समय मदद करना यदि उसे किसी भी विषय में या किसी भी चीज में कोई भी कठिनाई आती है तो उसकी मदद करना और मानसिक या भावनात्मक समर्थन देना कि अगर वो किसी भी चीज को लेकर परेशान है दुखी है उदास है तो तब भी उसका पूरी तरह से साथ देना इस प्रकार अपने मित्र की आप सहायता कर सकते हैं प्रश्न तीन कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है कहानी का शीर्षक गीदड़ इसलिए रखा गया है क्योंकि गीदड़ ने अपनी चतुराई से मगरमच्छ की चार को समझ लिया और खुद को खतरे से बचा लिया वह न केवल चलाक था बल्कि समझदार भी था ठीक है चलाक तो था ही साथ में क्या था समझदार भी था प्रश्न चार आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे तो आप खुद सोच के बता सकते हैं कि आप इस कहानी को चतुर गीदड़ के अलावा और क्या नाम देना चाहेंगे जैसे कि इस कहानी को मगरमच्छ की चाल और गीदड़ की बुद्धि या फिर मगरमच्छ का छल और गीदड़ की सूझबूझ नाम भी दिया जा सकता है या आप लिख सकते हैं कि इस कहानी को मूर्ख मगरमच्छ नाम भी दिया जा सकता है ठीक है जो भी कहानी से संबंधित आपके दिमाग में नाम आए वो आप लिख सकते हैं प्रश्न पांच अपनी सोच बोझ का कोई अनुभव बताइए जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मैंने अपनी सोच बूझ से कई बार समस्याओं का हल निकाला है कठिन परिस्थिति यानी कि कोई भी मुश्किल घड़ी आती है या समय आता है तो मैंने कई बार अपनी समस्याओं का हल निकाला है जैसे कि दोस्तों के बीच हुए किसी गलत फहमी को समझदारी समझदारी से सुलझाना जैसे कि मान लीजिए आपके दो दोस्तों के बीच किसी भी वजह से किसी भी बात को लेकर गलत फहमी हो गई है तो आपने उसे अपनी समझदारी से सुलझाया तो उसे आप अपने अनुभव के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी मगरमच्छ ने तालाब की सारी मछलियों को खा लिया था इसने अब तालाब में मछलियां नहीं बची थी प्रश्न दो कछुए ने क्या उपाय सोचा कछुए ने मगर मगरमच्छ को मरा हुआ दिखाने का उपाय सोचा ताकि गीदड़ उस धोखे में आकर पास आ जाए और मगरमच्छ उसे पकड़ सके प्रश्न तीन गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई गीदड़ ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए मगरमच्छ के मरने की पुष्टि करना चाहिए कि उसने ये पता लगाना चाहा कि मगरमच्छ सचमुच मर गया है या नाटक कर रहा है और जब उसने मगरमच्छ की पूंछ हिलते देखी तो वह तुरंत समझ गया कि यह एक चाल है प्रश्न चार गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई तब पता चली जब उसने देखा कि मगरमच्छ की पूँछ हिल रही है जिससे उसे समझ में आया कि मगरमच्छ मरा नहीं है अगला प्रश्न कहानी से नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं उनका आपस में मिलान कीजिए तो पहली बात है भूख के मारे प्राण निकलना तो ये बात किसने कही थी मगरमच्छ ने गीदड़ को लाने का प्रयत्न ये किया था कछुए ने डर के मारे प्यासा रह जाना यह बात थी गीदड़ की पोछ हिलाना यह थी मगरमच्छ की बात ठीक है इस तरह से आपको मिलान करना है अगला प्रश्न भाषा की बात कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है कि पानी वो तालाब से ही पी सकते हैं नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए तो ये वर्ग पहेली हमें यहाँ पर दी गई है इसमें से हमें पानी के अन्य स्रोत जो है ढूंढने हैं जहां से हमें पानी मिलता है ठीक है तो पहला एक उदाहरण हमें दिया गया पोखर तो उसे यहां पर लिख दिया और क्या हो सकता है ये देखिए तालाब लिखते जाएंगे साथ साथ नहर बारिश कोवा बोरवेन नदी झरना तो ये सभी पानी के स्रोत हैं प्रश्न दो सही वाक्य बनाइए दो मित्र कहीं जा रहे हैं इस वाक्य में द को क म को ग और ह को प से बदल दिया गया ध्यान दीजिए द को क से म को ग से और ह को प से बदल दिया गया है तो इस तरह नया वाक्य बना तो नया वाक्य क्या बनेगा द को अगर क बना दिया तो को म को ग, ग बना दिया तो गित्र ह बना दिया तो कपि जा ह को प बना दिया, तो दिया रपे है पै को गित्र कपि जा रपे प अब दिए गए वाक्य में अब नीचे जो ये वाक्य हमें दिया गया है इसमें हमें ल को ह और स को भ से बदलकर नया वाक्य बनाना है ठीक है ध्यान दीजिए ल को हमें ह बनाना है और स को भ तो वह सही वाक्य क्या बनेगा मैं अब ल को हमें ह बनाना है तो ल की जगह ह आएगा तो बहुत बन जाएगा मैं बहुत स को भ बनाना है भूखा या भूखी ल को हमें बनाना है तो तो सही वाक्य क्या है मैं बहुत भूखा हूँ या भूखी हूँ अगला प्रश्न कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए तो पहला शब्द हमें दिया गया कठिन तो कठिन का क्या वाक्य बना सकते हैं आप बना सकते हैं जैसे गणित के सभी गणित के सभी प्रश्न कठिन थे प्रयत्न प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश मैंने रमा को समझाने के समझाने का बहुत प्रयत्न किया सहायता सहायता का बना सकते हो आप रमेश ने अपने मित्र मोहन के, सहायता के ठीक है अगला शब्द है प्यारा तो प्यारा का आप बना सकते हो शिवांश बहुत ही प्यारा बालक है प्रश्न चार एक मछली अनेक मछलियाँ नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए तो जैसे यहाँ पर एक रूप लिखना है जैसे मछली चूड़ी लड़की ककड़ी और यहाँ पर अनेक जैसे मछली से मछलियाँ चूड़ी का क्या बनेगा चूड़िया यहाँ पर एक चूड़ी है और यहाँ पर दो है तो चूड़िया यहाँ पर एक मक्खी है तो मक्खी और अनेक हैं ज़्यादा है एक से तो मक्खियाँ लड़की अगर दो हैं तो लड़कियां या दो से अधिक हैं एक टोपी है तो टोपी और ज्यादा है तो टोपियाँ एक ककड़ी है तो ककड़ी और अनेक हैं तो ककड़ियाँ, ठीक है अगला प्रश्न पता कीजिए और लिखिए इस कहानी में मगरमच्छ गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है यानी कि मगरमच्छ जल में भी रहता है और धरती पर भी रहता है, भूमि पर भी रहता है और जबकि गीदड़ गीदड़ केवल थल यानी कि पृथ्वी पर भूमि पर ही रहते हैं आप इस तरह के प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए तो हमें इस तरह के प्राणियों के नाम पता करने हैं और उन्हें यहाँ पर लिखना है यहाँ पर हमें लिखना है जल व थल पर रहने वाले जीव जो जल और थल दोनों पर रहते हैं और यहाँ पर लिखना है थल पर रहने वाले जीव तो पृथ्वी पर रहने वाले तो बहुत सारे जीव हैं कुछ भी लिख सकते हैं आप जैसे एक तो ही हो गया ठीक है गीदड़ गधा शेर बकरी गाय बिल्ली बहुत सारे जीव हैं, ठीक है ठीके? और जल व थल दोनों पर जो रहते हैं एक तो मगरमच्छ हो गया मगरमच्छ जल में भी रहता है और थल में भी कछुआ भी जल और थल दोनों पर रहते हैं और मेंढक मेंढक जो है वो जल में भी रहता है और थल पे भी रहता है और क्या हो सकता है सांप ठीक है सांप पानी पे भी पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है ठीक है अगला प्रश्न मेरी सोच यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते कि यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो हम क्या करते मगरमच्छ की चाल में आ जाते या गीदड़ की तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते अपनी चतुराई से उसकी चाल से बच जाते इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं अगर मैं गीदड़ के स्थान पर होता तो मैं भी उसकी तरह सतर्क रहकर मगरमच्छ की चाल को परखने की कोशिश करता उसकी चाल को समझने की कोशिश करता और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही कोई कदम उठाता और जब मैं मुझे पूरा विश्वास हो जाता उस पर तभी मैं आगे कोई कदम उठाता आपको यह है उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो खाली जगह दी हुई है वहाँ पर लिखना है अगला प्रश्न आप क्या सोचते हैं अगर मगरमच्छ पूछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता कि अगर मगरमच्छ पूछ ना हिलाता तो हमें अनुमान लगाना है इमेजिन करना है कि कहानी का अंत क्या होता तो आप लिख सकते हैं अगर मगरमच्छ पूछ ना हिलाता तो गिदड़ शायद उस पर विश्वास करके पास आ जाता और मगरमच्छ उसे पकड़ सकता था इस स्थिति में कहानी का अंत गीदड़ के पकड़े जाने और मगरमच्छ द्वारा उसे खा लेने से होता तो क्या होता यही होता ना कि अगर मगरमच्छ पूछ ना हिलाता तो गीदड़ उसकी बातों में आ जाता उस पर विश्वास कर लेता और उसके पास चला जाता फिर क्या होता मगरमच्छ उसे पकड़ लेता और उसे खा जाता और यही कहानी का अंत होता अगला प्रश्न मेरी कलाकारी तो यहाँ पर आपको इस अंडे रखने की जो ट्रे होती है इसकी सहायता से आपको कछुआ बनाना है ठीक है तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है इसका कोई भी बीच का पार्ट ले लीजिए जितना आपको ज़रूरत है और यहाँ पर आपको इसकी कटिंग करनी है इस तरह से फिर आपको इस पर कलर करना है जैसे ये किया हुआ है और इसकी पूछ लगानी है आंखें लगानी है कागज़ की सहायता से और फिर यहाँ पर आपका ये कछुआ बनकर तैयार हो जाएगा तो आप इसे ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिए यहाँ पार्ट के अंत में ठहाके दिए गए हैं यानी कि चुटकुले या जोक्स तो आप इन्हें भी ज़रूर पढ़िएगा ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं आशा करती हूँ आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार